नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग ने जो है कुछ नए कैमरा सेंसर जो है उनके बारे में अनाउंसमेंट किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भैया आगे आने वाले टाइम में हमें हमारे स्मार्टफोन में कितने और अच्छे कैमरा जो हैं वो देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सैमसंग ने जो सैमसंग का 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर था उसके अंदर कुछ अपडेट किए हैं, कुछ माइनर चेंजेस किए हैं और उसका जो नाम है वो है 48 मेगापिक्सल वाले का जो कैमरे का नाम है वो है ISOCELL Bright GM2 जो ये सेंसर है। ये सेंसर आपको आगे आने वाले फोन के अंदर देखने को मिल सकता है। और यदि बात करें हम जो सैमसंग ने अनाउंस किया है 64 मेगापिक्सल का जो है कैमरा ISOCELL Bright GW1 सेंसर, जो इसके अंदर जो है टेट्रा सेल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ये बेसिकली आधारित है, और इसके अंदर जो है हमें आगे आने वाले टाइम में जो है 64 मेगापिक्सल के जो कैमरास जो हैं वो सैमसंग की तरफ से हमें देखने को मिल सकते हैं हमारे स्मार्टफोन में। अभी बात करते हैं कि ये बेसिकली वर्क किस तरीके से करेगा। यदि इसके अंदर जो बेसिकली है वो 4 पिक्सल बाइंड करके और जो है 1 पिक्सल जो है वो बनाते हैं, जो मेरे समझ में आ पा रहा है वो मैं आपको बता पा रहा हूँ। बाकी मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं कैमराज के बारे में, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है, ये अभी देखा गया है। तो इसके अंदर जो है जो इसकी इमेज होगी वो 33% लार्जर होगी 48 मेगापिक्सल कैमरा की सेंसर जो डिग्री फोटो है। और इसके अंदर जो है हमें जो 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसके अंदर जो चेंज किए गए हैं, इससे हमें जो है लाइट की जो एक्यूरेसी और ऑटो फोकस और ब्राइटनेस के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया गया है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो वैसे सैमसंग अभी काम कर रहा है इनके सैंपल्स पे, तो ये देखते हैं कब तक हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। वैसे मार्च के अंदर क्वालकॉम ने ये अनाउंस किया था कि वो स्मार्टफोन के अंदर 100 मेगापिक्सल तक के जो है कैमरा लेके आ सकते हैं, कैमरा सेंसर जो है वो उनके प्रोसेसर सपोर्ट कर पाएंगे 100 मेगापिक्सल के कैमरा तक को। तो आप बताइए, क्या आप अपने फ़ोन के अंदर चाहेंगे एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा? और यदि आपको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा तो भैया आप उस कैमरा के साथ क्या करने वाले हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत। भैया हर वीडियो में बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हो। पिछले 20 वीडियो से मेरे चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर हैं वो फिक्स हैं 349, ना ही तो एक सब्सक्राइबर बढ़ा है ना ही एक सब्सक्राइबर घटा है। तो भैया अब तो सब्सक्राइब कर लो, उसे 350 तो कर दो ताकि हम आपके लिए और वीडियोज़ लेके आते रहें। धन्यवाद।